गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में। हम कह के आपसे कहे थे कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया संवाद सेतु का, 12 नंबर की जो किताब है बुक, उसका हमारा पहला पार्ट चल रहा था। और मैं आपसे कह के गया था जितना पढ़ाऊंगा उतना लिखाऊंगा, क्योंकि जो पीछे चीज़ रह जाती है वो रह जाती है। आज जो कल हमने स्टार्ट किया था संवाद सेतु, और पाठ का नाम था समाचार लेखन। मैं पहले ही दिन से आपसे कह चुका हूँ कि जितना मैं लिखा रहा हूँ उसे अपना बिल्कुल नोट डाउन कर लें, कॉपी बना लें। और कारण बताएं, जैसे हमारी क्लास स्टार्ट होंगी ऑफलाइन अपन समझाते चले जाएंगे, हमारी राइटिंग जो है, हमारी जो नोटबुक है हमारे पास रहेगी, कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के इच्छुक उस समय हो जाएंगे। समाचार लेखन, अब देखिए संवाद सेतु में समाचार लेखन का सिस्टम देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रश्न नहीं लिखाऊंगा इसमें, अपन क्या है कि टॉपिक लिखाएंगे, टॉपिक का नाम लिख करके उससे रिलेटिव जितने शब्द हैं, जितनी परिभाषाएं हैं, वो सब उस टॉपिक के अंतर्गत आएंगी, ताकि जितने भी प्रश्न उससे बनते हैं वो हम फिर तुरंत समझ जाएंगे। तो अपन मैं जैसा बोर्ड पर लिखाता जा रहा हूँ आप वैसा सेम टू सेम उतारते चलें। पहले सूचना देखिए, समाचार लेखन के लिए 6 सूचनाएं हैं। समाचार लेखन के लिए कितनी सूचनाएं? 6। आप इसके साइड में ककार लिख सकते हो, क्योंकि सूचनाओं को ही क्या कहा जाता है, ककार कहा जाता है। अब यहाँ 6ों के हमें नाम लिखने, नंबर 1 बोलना, मैं समझा चुका हूँ इसमें, क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों और कैसे, ये क्या है? 6 ककार। इन्हीं 6 सूचनाओं को क्या कहते हैं अपन? ककार। इससे पहले ये देखो, 1 से लेकर 4 तक और 5 से लेकर 6 तक, ये इन 1 से 4 तक हम नीचे ले डाल देंगे सूचनात्मक ककार, और इसके जो 5वां 6वां है उसको डाल देंगे विवरणात्मक ककार। यहाँ तक अपन आपको बता चुके थे कि जो सूचनाएं हैं उन्हें ककार कहा जाता है, इन्हीं 6 सूचनाओं को ककार कहा जाता है। 6 सूचना, क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों और कैसे। प्रथम 4 जो सूचनाएं हैं इनको कहा जाता है सूचनात्मक ककार, और अंतिम 2 जो ककार हैं उन्हें कहा जाता है विवरणात्मक ककार। एक लाइन आप लिख सकते हो कि इन्हीं 6 सूचनाओं को ककार कहा जाता है। एक नीचे की लाइन में लिख सकते हो, इन्हीं 6 सूचनाओं को ककार कहा जाता है। प्रथम 4 ककार आप लिख लेना ऐसे, प्रथम 4 ककार सूचनात्मक और अंतिम 2 ककार विवरणात्मक होते हैं। लिख लिया, आगे चलो। देखो यहाँ फिर ऐसे डैश लगा करके लिखे हैं इसके बारे, पूरा मैटर आपको मैं यहाँ लिखाऊंगा पूरा मैटर, ताकि फिर हमें समझने में दिक्कत ना आए। देखो, समाचारों को प्रभावी एवं, अब प्रश्न जैसे आ जाए कि ककारों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो समाचारों को प्रभावी एवं पुष्ट बनाने के लिए
ककारों का। प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा था ना जैसे अब देखो मैंने प्रश्न नहीं लिखा है लेकिन हमें प्रश्न का उत्तर मिलेगा। प्रश्न आएगा ककारों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप लिख सकते हो समाचारों को प्रभावी एवं पुष्ट बनाने के लिए ककारों का प्रयोग किया जाता है। अगली लाइन में फिर हम एक प्रश्न बना लेते हैं, ककारों पर हुआ से प्रश्न करते हैं। और जो पहली बार देख रहे हैं कि जो जैसे मान लो उस संवाद सेतु का पहला पार्ट वीडियो में नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देखे उसके बाद लिखे, क्योंकि डायरेक्ट ये हमारे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैं समझा चुका हूँ। पहले कहा था पहले समझाऊंगा और उसके बाद लिखाऊंगा। ककारों पर हुआ से क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो ककार का टॉपिक एक हुआ प्रश्न, बड़ा दे सकते हैं ककार क्या है, परिभाषित करते हुए इसके नाम बताते हुए प्रकारों पर प्रकाश करते हुए बताएं कि इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। ऐसे आ सकता है ककारों पर किससे प्रश्न करते हैं, हुआ से। मैंने कहा था क्या हुआ, कब हुआ, कौन हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जितने भी निबंध अपन लिखेंगे, जितने भी पैराग्राफ अपन लिखेंगे, चाहे वो अपठित हो चाहे वो पठित हो, सब इन्हीं से स्टार्ट होते हैं। अगर हम इनका ज्ञान है, इनके हिसाब से अपन सेंटेंस बनाते चले, सेंटेंस जो बिल्डिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? अच्छा, अब अपन दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। इसका बिल्कुल साफ साफ अपनी नोटबुक बनाए, क्योंकि ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जिसकी याद हो जाएगी हिंदी में, ये मान लो हमारा परसेंट बनता चला जाएगा। दूसरा टॉपिक है हमारा उल्टा उल्टा पिरामिड शैली। इसके बारे में मैं बता चुका था, सर्व प्रचलित कथात्मक शैली के विपरीत है। तीन पार्ट है इसका, इंट्रा, बॉडी, समापन। इंट्रा को मुखड़ा कहते हैं। अब इसे अपन लिख लेते हैं, समाचार लेखन की सर्व सबसे ज्यादा सर्व प्रचलित शैली, सर्व प्रचलित शैली जो कथात्मक शैली के विपरीत होती है, कथात्मक शैली के विपरीत होती है, जिसमें महत्वपूर्ण व प्रभावी सूचनाओं को पहले लिखा जाता है। समाचार लेखन की सर्वप्रथम शैली जो कथात्मक शैली के विपरीत होता है, होती है, जिसमें महत्वपूर्ण व प्रभावी सूचनाओं को पहले लिखा जाता है। मैं पहले बता चुका था जो सूचना इम्पोर्टेंट हैं वो पहले आएंगी, चाहे वो पीछे घटित हुई हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं थोड़ी भी मस्ट फर्स्ट में लिखी जाएंगी। कौन सी, जो इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद घटते हुए क्रम में उन्हें लिखे चला जाता है। और एक लाइन और बताई थी मैंने, क्या बोलो, इस शैली, कौन सी शैली, उल्टा पिरामिड शैली। इस शैली में जो क्लाइमैक्स बताया था, हिंदी में उसे कहते हैं चरमोत्कर्ष।
इस शैली में चरमोत्कर्ष पहले ही आ जाता है। चरमोत्कर्ष पहले ही आ जाता है। क्लियर। इसकी तीन चरण हैं। तीन चरण कौन कौन से बोले थे बताओ? इंट्रो, बॉडी, समापन। तो सबसे पहले अपन इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद देखते चलेंगे। चलो पहले नाम लिख लेते हैं। तीन चरण हुए, इंट्रा, बॉडी और समापन। अब देखें, सबसे पहले अपन डाल लेते हैं इंट्रो। इंट्रो तो प्रारंभिक भाग है समाचार लेखन का। समाचार लेखन का प्रारंभिक व महत्वपूर्ण भाग होता है। समझने वाली बात क्या है कि जो तीन पार्ट इंट्रो समाचार लेखन के, उल्टा परामर्श शैली के, इंट्रो, बॉडी और समापन। अब जिसमें अपन समाचार लेखन का महत्वपूर्ण व प्रारंभिक भाग होता है ना, वो इंट्रो यानी शुरू की चार पांच जो लाइन होती है वो इंट्रो कहलाती है, जिसमें समाचार लेखन का दो जो ककार बताए थे हमने, दो प्रकार के, एक तो सूचनात्मक ककार बताया था और एक बताया था विवरणात्मक। तो इसमें समस्त समाचार लेखन का समस्त सूचनात्मक ककार जो चार बताए थे, क्या, कब, कौन, कहाँ, समस्त सूचनात्मक ककार का, ककारों का भाग निहित होता है। समझिए आप मेरी बात। में कहना क्या चाहता था, मैं ये कहना चाहता था कि दो जो ककार प्रकार के थे, पहला था सूचनात्मक ककार, दूसरा था विवरणात्मक ककार। तो शुरू के जो चार ककार जो सूचनात्मक में आते हैं वो सब किस में आएंगे? इंट्रो में। किस में आएंगे? इंट्रो में। नंबर टू पर था बॉडी। नंबर टू पर बॉडी समाचार का यह महत्वपूर्ण भाग होता है। समाचार का यह महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें समाचार का मध्य भाग निहित होता है। अब इसमें समझने वाली बात ये थी कि यहां तो समाचार सूचनात्मक भाग था, तो इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें विवरणात्मक सूचनाएं होती हैं। इसमें विवरणात्मक सूचनाएं होती हैं। और इसी के नीचे अपन तीसरे डाल लेते हैं समापन। तीन हो गई इंट्रो, बॉडी और तीसरा आ गया समापन। तो इसमें समाचार लेखन का
विवरणात्मक भाग होता है। अब आप कहोगे सर विवरणात्मक बॉडी में भी विवरणात्मक समापन में ध्यान रखना, बॉडी और जो समापन है वो केवल और केवल विवरणात्मक पार्ट से ही बने होते हैं। किस पर बने होते हैं? विवरणात्मक पार्ट पर बने होते हैं। अंतिम दो ककार इसका निर्माण करते हैं। अंतिम दो ककार जो होते हैं वो इसका निर्माण करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अंतिम दो ककार इसका निर्माण करते हैं। तो तीनों पार्ट हमने, दो चीज़ हमने पढ़ाई, दोबारा से मैं रिवाइज रूप में आपको बता रहा हूँ ककारों के बारे में जो सूचनाएं होती हैं। छह उनको ककार कहते हैं, क्या कब कौन कहाँ क्यों और कैसे। प्रथम चार जो होते हैं वो सूचनात्मक, अंतिम दो ककार होते हैं वो विवरणात्मक होते हैं। समाचारों को प्रभावी पुष्ट बनाने के लिए ककारों का प्रयोग किया जाता है, उन पर वहाँ से प्रश्न करते हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा एक प्रश्न आप देख रहे हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं चाहूँगा कि आप इसे हूबहू उतार लें बिल्कुल। उल्टा पिरामिड शैली, सर्वप्रचलित शैली जो कथात्मक शैली की विपरीत होती है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रभावी सूचनाओं को पहले लिखा जाता है। क्लाइमैक्स जो होता है, चरमोत्कर्ष, इंग्लिश में इसे क्लाइमैक्स बोलते हैं, ये और चीज़ों में पीछे आता है लेकिन ये पहले ही आ जाता है। तीन पार्ट है, इंट्रो, बॉडी और समापन। मैं एक शब्द बोल गया, हिंदी में इंट्रो को मुखड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखड़ा। उतार लो फटाफट स्क्रीनशॉट लेके। और उसके बाद तीसरा जो टॉपिक हमारा अगला है वो स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक है इसमें पटकथा। क्या है? पटकथा। तो लिखेंगे पटकथा का निर्माण दो शब्दों पट प्लस कथा से हुआ है, जिसमें पट का अर्थ पर्दा, पट का अर्थ पर्दा तथा आदि। कथा का कहानी, दो शब्द बने, पट प्लस कथा। पट का अर्थ पर्दा और कथा का अर्थ कहानी, अर्थात पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी। पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी पटकथा कहलाती है। उसके बाद एक हेडिंग और लिखाई थी मैंने, फिल्म लेखन। और ये आपसे कह दिया था कि फिल्म लेखन का विकास तीन चरणों में हुआ है। कितने में? तीन। दोस्तों मेहनत तभी सक्सेस है जब ये पूरा का पूरा पाठ आपको अकॉर्डिंग टॉपिक
याद होना चाहिए बिल्कुल। बिना मैं टॉपिक बोल दूँ आप तुम तोता जैसे से बोलते चले, फ़ायदा उसमें है। पहला था सबसे पहले बोलते चले कहानी लेखन, सबसे पहले कहानी लिखेंगे अपन। नंबर दो, कहानी लेखन को पट कथा में बदलना। और नंबर तीन, संवाद लिखना। उसके बाद लिखेंगे हमें बोलना क्या है। संवाद लेखन। अब बात करें आगे के टॉपिक में, एक टॉपिक और आता है छोटा सा स्टोरी। पॉइंट बाय पॉइंट अपन चलते चले जा रहे कि बड़ी या विस्तृत खबर को ही स्टोरी कहा जाता है। बड़ी या विस्तृत को स्टोरी कहा जाता है। मैंने आपसे ये कहा था कि प्रत्येक स्टोरी, प्रत्येक खबर जो होती है वो स्टोरी नहीं कहा जाता। तीन या चार कॉलमों से ज़्यादा, चार या उससे अधिक कॉलमों से लिखी जाने वाली खबर स्टोरी कहलाती है। एक या दो कॉलम में लिखी जाने वाली खबर स्टोरी नहीं होती सामान्यतः। खबर को ही स्टोरी कहा जाता है। एक या दो कॉलम, एक या दो कॉलमों में लिखी जाने वाली खबर स्टोरी नहीं कहलाती। चार या उससे ज़्यादा कॉलमों में लिखी जाने वाली खबर स्टोरी कहलाती है। स्टोरी हो गई कि सामान्यतः खबर को, इस नॉर्मल वे में अपन किसी खबर को भी अपन स्टोरी कह सकते हैं। लेकिन ये भी बात मानने लायक है कि एक या दो कॉलमों में लिखी जाने वाली खबर स्टोरी नहीं होती, चार या उससे अधिक कॉलमों में लिखी जाने वाली खबर स्टोरी कहलाती है। एक या दो लाइन और भी लिखनी है हम कि स्टोरी हो गई, उसके बाद अपन मान लेंगे आती है कवर स्टोरी। कौन सा आता है साहब? एक कवर स्टोरी। थोड़ा सा इससे नीचे ना देखेगा नहीं, ऊपर ही लिख देते मिटा करके। कवर स्टोरी देखें, समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर, जो समाचार है अखबार है उसके मुख्य पृष्ठ पर जो प्रकाशित होने वाली खबर, प्रकाशित होने वाली खबर कवर स्टोरी कहलाती है।
कि जो मेन पृष्ठता है उस पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली खबर जो हुए वो कवर स्टोरी कहलाती है। और एक नोट, एक और छोटा सा चीज़ और रह गई थी, वो थी कॉलम। क्या थी? कॉलम। के अखबार में खबरें कॉलम के रूप में होती हैं। प्रश्न ऐसा है कि अखबार में खबरें किस रूप में होती हैं? अब ये भी आ सकता है कि एक प्रश्न में कितने कॉलम होते हैं, अखबार में कितने कॉलम होते हैं? 8। और एक लास्ट में अपन नोट डाल के लिख सकते हैं, मैं बता चुका था आपको कार्यक्रम को, कार्यक्रम को कोई भी कार्यक्रम हो अपन कर रहे हैं तो उसे प्रभावी बनाने के लिए कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कहानी पटकथा व संवाद लेखन का जो तीनों फिल्म लेखन के विकास के तीन चरण जो थे, संवाद लेखन का उत्कृष्ट प्रयोग जरूरी है। संवाद लेखन का उत्कृष्ट स्वरूप होना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपसे पहले कह दिया था जितना लिखाऊंगा उतना ही पढ़ाऊंगा। ये इतना टॉपिक मैं आपको पहले बता चुका था, समझा चुका था, उतना मैंने आज लिखा दिया। अगली वाली वीडियो हम यहाँ से आगे चलेंगे, समाचार के तीन माध्यम, मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और इंटरनेट वाले तीनों पार्ट हैं। उसके बाद टीवी के चरणों पर भी अपन बात करेंगे। कल ये पार्ट अपन पढ़ा देंगे पूरा, परसों लिखा देंगे। तब तक आप मन लगा करके पढ़ते रहें और हमें भी संतुष्टि होगी कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसे आप कम से कम देख तो रहेंगे। बड़ी दुख होता है जब आप देखते नहीं हो, कम से कम पढ़ के कमेंट्स तो किया करो ताकि हमें लगे कि आप वास्तव में पढ़ रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं लगता कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। तो कम से कम पढ़ने के तुरंत बाद लाइक करें और अपना कमेंट्स ज़रूर दें। बहुत से बच्चे देखते लेकिन वो लाइक नहीं कर पाते, तो कम से कम लाइक करने में आपको कोई परेशानी हो रही हो तो मत किया करें। अगर परेशानी हो रही है तो मत करो, वैसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम लाइक और कमेंट्स में जरूर से ज़रूर अपना नाम लिखें ताकि हमें भी लगे कि कौन कौन देख रहा है। धन्यवाद।